भगवान जी प्लीज़ कृपा करना कि मैं एक सक्सेसफुल बिजनेस खड़ा कर पाऊँ। जय माता दी, जय माता दी। तो भाइयों आपके सबसे ज़्यादा सवाल यही थे कि भाई तू हमें तो बिज़नेस बताता रहता है, तू खुद कौन सा बिज़नेस करता है। तो भाई मैंने एक सीरीज़ शुरू करी है, इसमें मैं अलग अलग तरीके के बिज़नेस करके दिखाऊंगा और हम बिज़नेस जो करेंगे वो ज़ीरो से शुरू करेंगे, मतलब उसकी मार्केट रिसर्च से लेके उस बिज़नेस को कैसे प्रॉफिटेबल बनाना है। और यहाँ इस सीरीज़ में मैं अलग अलग तरीके के बिज़नेस करूँगा। तो पहला हमने लिया है कॉस्मेटिक का बिज़नेस। कॉस्मेटिक के बिज़नेस में स्टार्ट कैसे करेंगे, उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या होगी, क्या क्या प्रोडक्ट रखने चाहिए, मेंस ग्रूमिंग में जाए या वुमेन में भी जाएं, तो कैसे कैसे जाएं और कितना प्रोडक्ट लगेगा, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगी और कैसे वो बिज़नेस को प्रॉफिटेबल बनाया जा सकता है, क्या मार्केटिंग उसकी स्ट्रेटेजीज रहेगी, तो ये सारे हम डिस्कस करेंगे। मार्केट रिसर्च करने के लिए मैं आ चुका हूँ सरोजनी मार्केट में, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड बेस्ट मार्केटर होते हैं, मतलब आपको वो ऐसे ऐसे मार्केटिंग उनकी टेक्टिक्स होती है कि वो आपको प्रोडक्ट बेच के ही रहते हैं। तो भाई सबसे अच्छा तरीका है मार्केटिंग सीखने का कि मार्केट में खुद ही उतर जाओ। तो भाई हम उतर चुके हैं सरोजनी मार्केट में। भाई ये है सरोजनी मार्केट जिसमें आज हम कूदने वाले हैं कि मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या होगी। यहाँ पे हम सारी कॉस्मेटिक की दुकानों का सर्वे करके देखेंगे और उनसे जितना सीखने के लिए मिलेगा उतना सीख के जाएंगे। भाई सरोजनी नगर में आ गए हैं, अब देखते हैं भाई कैसा प्रोडक्ट होएगा, क्या क्या डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ी है मुझे, ये सारा देखेंगे और देखते हैं भाई। कोशिश तो है कि सक्सेसफुल ब्रांड बना के रहें। ये देख लो भाई ऑडियंस। भाई मैं अपने साथ एक बैग कैरी कर रहा हूँ, एक नोटबुक और एक पेन, क्योंकि क्या होएगा वो जो जो बताएंगे मेरे को सारा रिटर्न में लिखना पड़ेगा, क्योंकि वर्क नॉट डॉक्यूमेंटेड नॉट डन, मतलब अगर काम लिखा ही नहीं तो करा ही नहीं। तो इसीलिए आप जब भी बिज़नेस की रिसर्च करने निकलो तो अपने साथ ये पेन और नोटबुक ज़रूर लेके चलना, ताकि आप सारा जितने भी रेट वेट वो बता रहे हैं सब लिखते रहो। भाई कॉस्मेटिक के बिज़नेस में एक पहले तो इयररिंग्स रखेंगे, ये वाला एक बार रेट पूछ लेते हैं कि क्या क्या चल रहा है। भैया कितने कितने के हैं? सब चीज़ का है। 30 रुपये के। और ये वाले? ये 100 के। ये भाई 30 रुपये के, कोई भी ले लो। भैया कितने कितने की हैं? 4 सारी, कोई भी। ये वाला प्रोडक्ट आप बताओ हमें कहाँ से लेते हो, फिर है ना हम आगे बताएंगे कि अगर यही वाला बिजनेस लगाना होता है तो वो कितने पैसे में लग जाएगा। सेल पहचान में कुछ नहीं बता पाऊंगा। नहीं बता पाओगे, मतलब जैसे ये 50 रुपये का है तो सब 50 का है। पीछे से कितने का आ रहा है? पीछे से घर बनता है हमारे। अच्छा घर बन रहा है, ये तो घर पे कितने का बन रहा है? घर वालों को बताओ। अच्छा ये भी घर वालों को पता है, तो जैसे आपने देख लिया भैया रिवील नहीं करना चाहते, तो इस बिजनेस में दिक्कतें तो बहुत आएगी। तो भाई सरोजनी मार्केट में हमें क्या दिक्कतें फेस हुई कि इस टाइम पे ना भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो भाई कोई प्राइस बता नहीं रहा कि कितने में उसने लिया और क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। तो पहली दिक्कतें हमने ये फेस करी कि कोई भाई बता नहीं रहा, कोई बात करने में इंटरेस्ट नहीं है। तो बिज़नेस का पहला सूल भाई ना सुनने की आदत डाल लो। बाकी भैया ब्लॉग बना रहे हो भाई, बिज़नेस कर रहे हैं भाई। भाई भाई ये नो स्पिन का भी बिज़नेस हो सकता है। भाई कितने कितने की है? ईयरिंग्स 20 का है, नोज पिन 50 के है। ईयरिंग्स कौन सी है इसमें से? अच्छा ईयरिंग्स है या नोज पिन? नोज पिन। वो कितने की है? 50 के। नोज पिन 50 के सिंगल। और ये वाली 20 रुपये की है। भाई अगर पीछे से कितने की पड़ती है ये बता दोगे? पीछे बोले तो पीछे मतलब कि आपको कितने का पड़ता है? हाँ ये इसमें 50% मार्जिन होता है। अच्छा 50% का मार्जिन होता है। भाई बहुत जेन्युइन है। ठीक है भैया, थैंक यू भैया। भाई ये रही उसकी दुकान। भाई ये वाली ज्वेलरी भी रख सकते हैं, देखो है ये सारा कॉस्मेटिक ही। भैया कितने की है? एक कितने की है? 100। भाई एक और सवाल कि हमने जो पहला जो बिज़नेस लिया है वो कॉस्मेटिक ही क्यों लिया है? भाई क्योंकि कॉस्मेटिक के बिज़नेस में क्या होता है कि अगर आपको एक प्रोडक्ट की नॉलेज हो गई ना तो आपको किसी पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल लेते हैं हम रेस्टोरेंट के बिज़नेस में कि अगर मेरे को खाना बनाना नहीं आता तो मैं किसी लड़के को बोलूँगा भाई वो मेरे लिए खाना बना दे, और वो लड़का छोड़ के चला जाता है तो वो रेस्टोरेंट बंद करना पड़ जाता है। कॉस्मेटिक के बिज़नेस में क्या होगा, अगर मेरे को एक बार प्रोडक्ट की नॉलेज हो गई है तो मैं उसको बहुत बड़े लेवल पर लेके जा सकता हूँ, और इसमें कोई लड़के की भी ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही इंडिपेंडेंट होकर आप बिज़नेस कर सकते हैं। यहाँ पे आपको किसी पे भी डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है, इसीलिए हमने पहला बिजनेस जो शुरू किया है वो कॉस्मेटिक का करें।